ये जो कार है वॉक्सवैगन की पोलो है, VW की कोई भी गाड़ी हो, विंटो वगैरह जो भी गाड़ी है, VW वॉक्सवैगन की गाड़ी है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्ट नहीं होती तो हम लोग को पता नहीं चलता क्या प्रॉब्लम, हम लोग चेक करते रहते, सेल्फ मारते रहते, ठीक है। बट इसमें जैसा कि देख सकते हैं, ये इसका मीटर क्लस्टर के अंदर अगर ऐसा सेफ मोड लिख के आ जाए, ठीक है, देखो सेफ मोड, चाबी बंद करके स्टार्ट मतलब ऑन करेंगे तो सेफ मोड लिख के आता है, इसका मतलब होता है गाड़ी सेफ मोड में चली गई। जैसे गाड़ी क्या कहते हैं उसको, लॉक हो गई, इमोबिलाइजर जैसा हो जाती सिक्योरिटी, जैसे कुछ मारुति वगैरह गाड़ियों में या महिंद्रा गाड़ियों में कैसा चेक लाइट ब्लिंक करने लगता है, किसी में पानी की लाइट ब्लिंक करता है, टोयोटा में कैसा जो इनोवा वगैरह में साइड में जो लाइट रहती सिक्योरिटी वो लाइट ब्लिंक करता है या वो लाइट आती नहीं है। लेकिन इसमें जो VW की जो गाड़ी है उसके अंदर ऐसा लिख के आता है सेफ मोड, ठीक है। तो अगर ये सेफ मोड लिख के आता है तो समझ जाओ गाड़ी के अंदर गाड़ी आपकी कोड हो गई, यानी सेफ मोड में चली गई है। ऑडी में भी सेफ मोड लिख के आता है, ठीक है, जो जर्मन की बहुत सारी गाड़ियों में ये फंक्शन है, मतलब ये ऐसा लिख के आता है, इमोबिलाइजर की लाइट नहीं आती है बट उसमें सेफ मोड लिख के आता है। तो अभी ये गाड़ी में सेफ मोड लिख के आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको स्कैनिंग भी किया उससे, क्या कहते हैं लॉन्च से, तो कम्युनिकेशन एरर बता रहा है क्योंकि इसका ECU जो है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल वो ख़राब हो चुका है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी अगर चाबी ख़राब रहेगी तो इंजन तो रीड करता है, बट इसमें ऐसा हो रहा है इंजन रीड नहीं कर रहा, मतलब ACM ख़राब हो चुका है इसका। अगर आपका इंजन रीड कर रहा है तो समटाइम ऐसा होता है इसका जो एंटीना है वो ख़राब होता है चाबी स्विच के पास, बाकी इसकी जो कोडिंग वगैरह रहती मीटर के अंदर रहता है, ठीक है। ये इसका ACM है, ये ख़राब हो गया था, अभी मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। और वो वीडियो रह गई, मैंने बनाया वीडियो बट अभी मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई, अगर मिलेगी तो मैं देखता हूँ, ठीक है, अपलोड कर दूँगा। वीडियो बना के रखा है मैंने उसका अभी। और ये इसका मीटर, इसका मीटर के अंदर, इसके अंदर जो कोडिंग आता है वो मीटर के अंदर आता है, ठीक है। यानी जो इसकी जैसे किसी का BCM में आता है, किसी का ACM में आता है, इसका मीटर के अंदर भी रहता है, ठीक है। इमोबिलाइजर का जो सिस्टम है सेफ मोड का, मीटर के अंदर भी आता है। बहुत बार कैन कम्युनिकेशन का भी इशू आता है इसके अंदर, ये दो स्क्रू रहते हैं मीटर के, ठीक है, खोलने के लिए इसको। तो अभी मैंने दूसरा लगा दिया, जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई, अभी सेफ मोड लिख के नहीं आ रहा है, ठीक है। ये दूसरा मीटर लगा दिया, गाड़ी स्टार्ट हो रही और सेफ मोड लिख के नहीं आ रहा, ये चेक लाइट आ रहा है, इसको थोड़ा आगे वायर गियर निकाल लेते, फिल्टर वल्टर क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक बार स्कैनिंग लगा के देख लेते। तो अगर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है सेफ मोड लिख के आता है तो सबसे पहले इसको स्कैनिंग करने का, अगर ECM रीड नहीं कर रहा है, सॉरी अगर इसके अंदर रीड नहीं कर रहा है तो फिर क्या कहते हैं उसको, ECM का भी फॉल्ट रहता है, मीटर का भी प्रॉब्लम आता है, क्लस्टर मीटर का वायरिंग का भी इशू आता है, बट इसके अंदर ECM का इशू था। और इसके अंदर क्या कहते हैं, चेक लाइट आ रही, इसको क्लियर कर देंगे तो फॉल्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी गाड़ी स्टार्ट होगी, जैसा कि देखिए आपने भी गाड़ी स्टार्ट थी, तो इसके अंदर एक चेक लाइट आ रही है, तो आगे क्या कहते हैं उसको, एयर फिल्टर का सेंसर, मैप सेंसर वगैरह का वायर निकाले थे, इसके लिए लाइट आ रही है, तो ये फॉल्ट क्लियर कर देंगे तो गाड़ी ओके हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये सेफ मोड आता है तो ये चेक करने का रहता है। बहुत लोग पूछते भाई इसमें इमोबिलाइजर किधर रहता है।